प्रश्न, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। क्या देना है वैल्यू? जिन्होंने ज्ञान रत्नों को वैल्यू दिया, महत्व दिया कि इनको मेरे जीवन में धारण करने से ही मैं देवता बन सकता, इनको धारण किए बिना कोई भी देवता नहीं बन सकता, ये बहुमूल्य रत्न है, अनमोल रत्न है, एक एक रत्न मुझे पद्मपति बनाने वाला है, एक एक रत्न मुझे क्या बनाने वाला है? पद्मपति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। जब कोई समझ जाएगा कि वाक्य में यही वो सच्चा रास्ता है, यही वो विधि है जिससे हम क्या बनेंगे? देवता, चरित्रवान बनेंगे। और इन रत्नों को सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, बल्कि इन रत्नों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे मुख से सदैव क्या निकलेंगे? रत्न ही निकलेंगे। हमारा हर बोल, हमारा हर संकल्प, हमारा हर कर्म रत्न बन जाएगा। इन रत्नों को जीवन में धारण करना माना अपना संकल्प, बोल और कर्म, तीनों से क्या निकलेंगे? ये ज्ञान रत्न ही निकलेंगे, और कभी कभी नहीं, सदा। कभी कभी नहीं, सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहें तो सदा सुखी बन जाएंगे, फिर दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। जो बच्चे मीठे बनते हैं, जो बच्चे मीठा बनते हैं, उन्हें बाप भी देखकर खुश होते, खुश होते, बाबा को खुशी होती है तो उसे दुख भी होगा, ना बाबा को खुशी होती है ना दुख होता है। फिर बाबा क्यों कह रहा है कि मैं खुश हो जाऊंगा? भावना, भावना को जागृत करने के लिए। ज्ञान शुष्क नहीं, ज्ञान को बाबा कहते सूखा नहीं बना, उसको अंदर भावना भी हो, परंतु भावना अंधविश्वास वाली नहीं, मतलब बाबा खुश होना माना बाबा के खुश होने का मतलब हमारे में क्या आ रहा है? उन्नति आ रही है, हम चढ़ती कला में, हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए बाबा कह रहे। बाकी बाबा को ना तो कभी कोई खुशी होती है और ना ही कभी कोई दुख। क्यों नहीं होता?
क्योंकि बाबा कहते सब एक्यूरेट। कल की मुरली में भी एक लाइन आई है, बड़ी वंडरफुल लाइन है, उसको सोचना होता है कि विनाश तो अपने समय पर होगा, फिर बाबा आप हमें रोजाना विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों कहते? क्योंकि जिन्होंने तैयार होना है वो अपने समय पर एक्यूरेट टाइम पर क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। ये बातें सुनाई उनको देंगे, सारी क्लास में से उन्हें ही ये बातें सुनाई देंगी जिन्होंने उस परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार होना है, बाकियों को ये बात सुनाई नहीं दे। वो बैठे क्लास में होंगे, आंखें भी खुली हुई होंगी, कान भी खुले हुए होंगे, परंतु वो खुद क्लास में मुरली पढ़कर सुना रहे होंगे, परंतु उनकी बुद्धि कहीं कुछ और। आंखों ने देखा, मुंह ने बोल दिया, परंतु क्या देखा क्या बोला उसे नहीं पता। नहीं, सामने देखा, पढ़ा, एक्यूरेट पढ़ा, एक्यूरेट बोला, परंतु वो खुद नहीं है वहां पर। मेरी बुद्धि में कुछ और चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हो, क्या पढ़ा ये मुझे नहीं पता। आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, आपने परिवर्तन कर लिया, परंतु मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा। हाँ, पढ़ते हुए बुद्धि चली जाती, क्योंकि हमने उस समय उस बात को महत्व दिया। मुरली पढ़ते पढ़ते भी और गई, हमारी बुद्धि गई। बुद्धि नींद क्यों आती है? हमारे ख्यालात चले जाते हैं, या हम ये कह देते हैं ये मेरी मतलब की बात नहीं, तो सो जाते, अगली बार सुन लेंगे मुरली, दोपहर को पढ़ लेंगे मुरली, अब नींद जरूरी है। हम थकावट में अपने आप को उसे देते, ये संकल्प होता है, तभी नींद आती है, अपने आप नहीं आते। उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो, इसी वरदान से क्या बन जाते हो? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो।